हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और आउटलेट यहाँ पे मैंने कवर करा है सदर बाजार के अंदर, कुमार नमकीन वालों के नाम से, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। मेरे जस्ट बैक साइड में ये काफ़ी मशहूर है, कचौड़ी वगैरह भी इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पे 40-45 साल इनको यहाँ पे हो गए हैं टोटल इस काम को करते हुए। तो अभी मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ दिखाने वाला हूँ, आउटलेट का चेकआउट कराने वाला हूँ, टेस्ट ट्राई करने वाले हैं। आगे बने रहना वीडियो में और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मैं पूरा आपको पहले इसका जो आउटलेट है ये चेकआउट करा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुमार नमकीन वाले के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर आउटलेट है ये, आप चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूरी ये आउटलेट आपको मैं दिखा रहा हूँ, कस्टमर्स बहुत आते हैं, इनकी कचौड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे मैं आपको चेकआउट कराने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, पेटीज वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर सारा देख सकते हैं, नमकीन वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, गुंजिया लगी हुई है, तो काफ़ी सारा आइटम यहाँ पे भैया ने लगा रखा है। यही ऑनर है यहाँ पे जो खड़े हुए, इनसे भी आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ। पीछे भी बैक साइड में आप देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें भैया ने लगा रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो फैन, बर्फ़ी वगैरह, काफ़ी सारी चॉकलेट्स वगैरह है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ढोकला वगैरह रखा हुआ है भैया ने। तो बेसिकली ये जो है शॉप पूरी नमकीन और अपनी कचौड़ी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कचौड़ी वगैरह का जो रखा हुआ है, मिर्ची वगैरह रखी हुई है। तो अभी मैं प्लेट भी लगवाऊंगा यहाँ पे, जो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो जैसे कि ये पूरा आउटलेट था, मैंने यहाँ पे चेकआउट कराया आपको। तो अब मैं यहाँ के जो ऑनर हैं इनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, फिर कचौड़ी को दिखाते हैं और ट्राई करते हैं उसको, कैसी इनकी कचौड़ी है। तो आगे बने रहना वीडियो में। तो हाँ जी, जैसे कि यहाँ कुमार नमकीन वालों के नाम से जो शॉप है उनकी ये ऑनर है, यहाँ पे मैं आपकी इनसे मुलाकात कराने वाला हूँ। तो हाँ जी अंकल जी, नमस्कार। अंकल जी नमस्कार जी। अंकल जी आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार दुसेजा। अंकल जी अपने इस आउटलेट को यहाँ पे कितना टाइम हो गया है? 60 साल हो गए हैं। 60 साल हो गए हैं। हाँ। जैसे कि 60 साल हो गए, मैंने आपको पहले 40-45 साल बताया, पर 60 साल हो गए जैसे अभी अंकल जी ने पूरा बताया। तो अपने एक बार लोकेशन बता दीजिए अंकल जी। यहाँ पे लोकेशन है नियर मेट्रो स्टेशन, पुल बंगश मेट्रो स्टेशन, आजाद मार्केट, कुमार नमकीन वाले। कुमार नमकीन भंडार, भंडार से आप बिल्कुल मशहूर हो। हाँ। अभी अपने पास क्या क्या आइटम यहाँ पे मिलता है? हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के नमकीन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब ग्राउंड नट ऑयल के अंदर बनाते हैं, मूंगफली के तेल में। मूंगफली के तेल में। हाँ, और बहुत अच्छी क्वालिटी के बिस्किट होते हैं, रस होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और अपना स्नैक्स में होते हैं, कचौड़ियाँ होती हैं, भुजिया और चटनी डाल के देते हैं हम लोग। हाँ जी, हाँ जी। और चार तरह के ढोकले होते हैं हमारे पास, स्वीट्स हैं, और कई तरह की हमारे पास मठी नमक बारे हैं, स्पेशल होते हैं हमारे पास। ये यहाँ की बहुत मशहूर शॉप है, मैंने काफ़ी लोगों से यहाँ पे डिस्कस करा तो उन लोगों ने बताया कि काफ़ी अच्छी नमकीन इनकी बताई गई है, कस्टमर रिव्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे मैंने 2-4 लोग ले रहे थे उनसे पता करा तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिला है। तो आगे मैं अभी यहाँ पे कचौड़ी लगा के आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। थैंक यू अंकल जी, कचौड़ी ट्राई करते हैं आपकी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक ठीक है अंकल जी, थैंक यू। जैसे कि कस्टमर रिव्यू मैं आपको दिलवाने वाला हूँ, यहाँ पे भैया ने बताया कि बचपन से ये इनसे चीज़ें ले रहे हैं। तो अभी आपकी मैं इनसे मुलाकात कराता हूँ। तो हाँ जी भैया जी, नमस्कार भैया जी। नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? ऋषभ नाम है भैया जी। आपको मतलब यहाँ से कितना टाइम हो गया कचौड़ी वगैरह लेते हुए या स्वीट्स वगैरह? मुझे तो कम से कम बचपन से लेता आ रहा हूँ, मेरा तो 10-15 साल हो गए मेरे को लेते हुए यहीं से, और रेगुलर यहीं से आया कुछ सामान, घर का सामान कोई भी आया। कैसा इनका फ्लेवर जो नमकीन का, जैसे अंकल बताते हैं कोई भी नमकीन ले लो, बिस्किट ले लो या ढोकला पापड़ी कुछ भी ले लो, सब A1 है इनका। हाँ, जैसे की इनके आउटलेट को भी काफी अच्छा टाइम यहाँ पे हो गया है, काफी टाइम हो गया तो देखता हूँ मैं तो। हाँ जी, और इनका रिस्पॉन्स, इनकी बात करने का तरीका, कस्टमर डीलिंग बहुत अच्छा है। कस्टमर डीलिंग अच्छी है इनकी, मतलब जो बात करने का तरीका मेन यही होता है, जो कस्टमर से व्यवहार बनता है वो बात करने से बनता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो भैया थैंक यू भैया जी, आपने कस्टमर रिव्यू दिया तो मैंने जैसे कस्टमर रिव्यू दिलाया। आगे आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसी इनकी कचौड़ियाँ हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो कचौड़ी है वो आ चुकी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ऊपर देख सकते हैं कि अनार दाने की चटनी डाली गई है बिल्कुल बढ़िया,
आपको आलू की सब्जी के साथ तो आपने बहुत खाई होगी, पर अनारदाने की चटनी है पूरी, मैंने आपको उसकी मेकिंग दिखाई है और मैं आपको भी बताने वाला हूँ कैसी लगती है। टेस्टी तो होगी क्योंकि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर दिख रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब नमकीन ऊपर से डाल रखी है अंकल जी ने पूरी। चलिए ट्राई करता हूँ। चटनी इतनी अमेजिंग है ना, खट्टा मीठा एकदम बढ़िया टेस्ट आ रहा है यार, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। अनार दाने की चटनी का फ्लेवर बहुत बढ़िया आ रहा है। कचौड़ी का साइज आप चेक कर सकते हो कितनी बढ़िया, 30 रुपये का एक पीस है ये कचौड़ी का, अमेजिंग फ्लेवर अमेजिंग टेस्ट के साथ है। जैसे अंकल जी को इतना टाइम हो गया है, यहाँ पे आपको मैं ये वाली दिखाता हूँ, यहाँ पे ये भी देते हैं अंकल जी, तो मैं ये दिखाने वाला हूँ आपको, ये देखो बढ़िया तरीके से। तो इसका अंकल जी प्राइस कितना है? ये 30 रुपीज प्लेट है, ये 30 रुपये की पूरी प्लेट है आपको देखने के लिए मिलेगी, 30 रुपीज की आपको पूरी प्लेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। बढ़िया नमकीन के साथ यहाँ पे अनारदाने के ऊपर डाल के देते हैं, बेसन की ये नमकीन है, मिर्च यहाँ पे डाल रखी है, गार्निश कर रखी है बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। मेन जो खेल है ना यहाँ पे वो खेल चटनी का है, अमेजिंग, बहुत खट्टी मीठी चटनी है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा, मतलब ऐसी चटनी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलेगी। अब आ गई हमारी स्वीट्स, ये देख सकते हैं सोन हलवा कहते थे, ऊपर ड्राई फ्रूट चेक कर सकते हैं, पूरे पूरे यहाँ पे पीसेस ड्राई फ्रूट्स के डाल रखे हैं, पतीसा हमारे पास, और ये हमारा है कलाकंद आ गया और टोस्ट आ गया ये हमारा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अंकल जी की बहुत मशहूर है, काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होती है, बहुत बढ़िया पतीसा बहुत सॉफ्ट दिख रहा है। देसी घी के अंदर सारी चीज़ बनाई जाती है, अंकल जी का जो भी नाम है ना इसलिए चलता है क्योंकि चीज़ों के साथ क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है। अमेजिंग रेट है, अमेजिंग टेस्ट है, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, ये देखते हैं, भाई साहब बर्फी एक नंबर ही है, बहुत बढ़िया यार, दिल खुश कर दिया बर्फी ने, बहुत अमेजिंग टेस्ट है। टोस्ट चेक करो, टोस्ट अंदर पूरा रस भरा हुआ है टोस्ट के, बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। सोन हलवा देखो कितने बढ़िया तरीके से पैक कर रखा है, इसको पैक करके अच्छी तरह दिया है। अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, ओपन होके अभी लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। पर तो बर्फी थी ना यार, बर्फी ने बिल्कुल मज़ा ही आ गया मेरे को, तो बर्फी बहुत बढ़िया लगी अंकल जी के यहाँ पे, टेस्ट इतना बढ़िया था बर्फी का, दिल बिल्कुल खुश हो गया। ये भी पूरा सब चीज़ें यहाँ पे देसी घी के अंदर बनाई जाती है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आप ये दे सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। कुछ भी खाओ तो बढ़िया खाओ, अमेजिंग टेस्ट है, बिल्कुल बिस्किट की तरह लग रहा है, और देसी घी का जो फ्लेवर है वो अलग ही पता लग जाता है कि देसी घी के अंदर बना हुआ है, बहुत अमेजिंग टेस्ट है यार इसका भी। मेरी कोशिश यही है जितना हो सके अपनी तरफ से बेस्ट आउटलेट निकाल के लेके आऊँ, अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाऊँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, गुड बाय।